नमस्कार, मैं हूँ टीवी वाली और आप देख रहे हैं सस्ती न्यूज। चूंकि मैं इतना फास्ट वॉइस ओवर नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये बैकग्राउंड नॉइस झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सस्ती न्यूज। ले चलते हैं आपको आज की बुलेटिन की ओर। देश में अब तक कोरोना से हुई 28,000 से ज्यादा मौतें और 11 लाख से ज्यादा केस। कोरोना ने कहा, भारत के लोगों आगे बढ़ो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के सपोर्टिंग एमएलए अंताक्षरी खेलते पाए गए, वीडियो हुआ वायरल। अब सवाल ये है कि इन्होंने अंताक्षरी खेलने से पहले बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम वाला पोयम क्यों नहीं गाया। जनता हुई ऑफेंड। नेपाल ने पहले की मैप चेंज वाली हरकत और बाद में अयोध्या का नेपाल में होने का दावा। मैप चेंज वाली हरकत पे पाक और चाइना ने सोचा, अब हम क्या करने, जॉब छोड़ दें। मलेशिया में पाई गई मानव जैसे होठ और दांत वाली मछली। लोगों ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने भी इंसानों में सांपों वाले फीचर बहुत बार देखे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सोमवार से हुआ लागू। अब पॉलिटिशियंस की तरह झूठे वादे और भ्रामक विज्ञापन दिखाकर कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड एम्बेसडर बच पाएंगे। भारी बारिश की वजह से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई बाढ़। 27 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित। जनता ने कहा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप तो अमित जी की न्यूज दिखाइए। प्रियंका वाड्रा ने जिस फोटो को असम बिहार की बाढ़ से जोड़कर ट्वीट किया, वो निकली 3 साल पुरानी, ठीक उनकी संवेदनाओं की तरह। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। हमेशा रहे मस्ती में, खबर देख के सस्ती में। नमस्कार, सस्ती न्यूज।